एक खतरनाक घटना में बेंगलोर के 70 साल के पत्रकार ने फिडेक्स कोरियर स्कैम में एक बड़ा नुकसान उठाया। इसमें उन्होंने 1.20 करोड़ रुपीस खोया। सो आखिर ये है क्या फिडेक्स कोरियर स्कैम? सो हमारा आज का जो टॉपिक भी रहेगा फिडेक्स कोरियर स्कैम के ऊपर ही रहेगा। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। साइबर धोखेबाजों ने फिडेक्स कोरियर स्टाफ और नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो के अधिकार बनकर पत्रकार को धोखे में डाल दिया, ये कहकर कि उनके नाम पर इलीगल पार्सल है जो तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। सब कुछ 15 दिसंबर को शुरू हुआ। एक फेडेक्स कोरियर ऑफिस स्टाफ मुंबई से कॉलर ने विक्टिम का नाम और आधार नंबर बताया और कहा कि पार्सल में 240 ग्राम का माना गया बैंड सॉफ्टेंस MDMA है। MDMA एक प्रकार का ड्रग होता है और इसका फिल्टर मैं डाल दूँगा इसमें। और धोखेबाज ने ड्रामा बढ़ाते हुए कॉल्स को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में डाइवर्ट किया। SBI क्रेडिट कार्ड के इंटरनेशनल स्मॉगलिंग केस में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके बाद नकली फिडेक्स ऑफिसर के हुक्म पर व्यक्ति ने स्काइप डाउनलोड किया NCB ऑफिसर से बात करने के लिए, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बचने के लिए। और विक्टिम ने डर के मारे बड़ा अमाउंट 1.20 करोड़ रुपीस धोखेबाजों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ईस्ट सैन पुलिस ने IT एक्ट और IPC के अनुसार एक केस दर्ज किया जिससे फिडेक्स कोरियर स्कैम से जुड़ी साइबर क्राइम की गंभीरता का पता चला। बेंगलोर शहर में 2023 में एक आश्चर्यजनक 335 साइबर क्राइम केस फिडेक्स कोरियर स्कैम से जुड़ी हुई थी। लेकिन हाउ टू वर्क फिडेक्स कोरियर स्कैम, आखिर ये काम कैसे करता है? सो एक्चुअल में ये काम ऐसे करता है कि जैसे कि धोखेबाजों एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिशियल बनकर विक्टिम्स को घबराहट में डालकर बताते हैं कि उन्हें एक इलीगल पार्सल मिला है और विक्टिम को आधार नंबर शेयर करते हुए IVR सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए जैसे बनाया गया एक झूठा लॉ इन्फोर्समेंट इन्वायरमेंट। सो बिना विक्टिम्स को विचार करने या कुछ करने का समय ना देते हुए धोखेबाज 5 ईयर रिश्वत मांगने लगते हैं झूठी केस को बंद करने के लिए। तो DCP कुलदीप कुमार RJN ने जागरूक होने और बचाव के लिए आवश्यकता का स्ट्रेस दिया। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि शिक्षित लोग पुलिस से बात करने से पहले ट्रांजैक्शन शुरू करने में हिचकिचाहट शुरू करते हैं। तो फेडेक्स ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अनसेलेक्टेड कॉल या मैसेजेस में व्यक्तिगत जानकारी देने से बचने की सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सख्त कॉल या मैसेजेस मिले उन्हें तुरंत अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें बल्कि वो स्थल के कानूनी अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें या भारत सरकार के साइबर क्राइम विभाग को रिपोर्ट करें। जब हम डिजिटल दुनिया में घूमते हैं तो इस घटना को याद रखने का अवसर बनाएं। जागरूकता और सावधानता ही हमारे बढ़ते हुए साइबर क्राइम के खिलाफ सबसे बेहतर बचाव है। तो ये रही आज की वीडियो जो कि फिडेक्स कोरियर स्कैम के ऊपर। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक किया हो तो कमेंट में जरूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।